दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही विच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस राही लॉगिन करते हुए अदालत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने लिए आस्ट्रेलिया दे विच रहन वाली एक औरत दे खिलाफ सुए मोटो मानहानि का केस शुरू कर दिता है। जस्टिस नीना बांसल कृष्णा की एकहरी बेंच ने अपने 10 जनवरी के हुक्मों के उसके व्यवहार में स्पष्ट तौर पर अपमानजनक करार दिंदिया अनीता कुमारी गुप्ता जो कि इस समय सिडनी दे विच रह रही है नू कारण दसो नोटिस जारी किया है कि उसनू सज़ा क्यों ना दिती जावे। हाईकोर्ट 2011 के एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा सी जिस विच गुप्ता ने अपनी मां द्वारा छड़ी गई दिल्ली के पूसा रोड स्थित मुकदमे की जायदाद के संबंध में वंड के हुक्म जारी करने की मांग की सी। 10 जनवरी को दोहां धिरां के वकीलों की सांझी सहमति नाल मामले की सुनवाई लई एक तरीक मिथी गई सी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश विच नोट किया है कि अनीता गुप्ता जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस राही शामिल हुई सी ने अदालत नाल दुरव्यवहार किया। इस तो बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुद्दई द्वारा अदालत नू बदनाम करने लई कीतियां गईयां अपमानजनक टिप्पणियां स्पष्ट तौर पर अपमानजनक हन अते अदालत दी माण मर्यादा दी पूरी अनदेखी नू दर्शाउंदियां हन। इस तथ्य दे बावजूद के संबंधित धिरां दी नुमाइंदगी करन वाले दोवें वजूद निजी तौर पर उत्थे हाजिर सन अते उन्हां ने इस ते सहमति भी प्रगट कीती है। अंतिम दलीलां लई अदालत ने मिति 16/4/2024 मिथी है। अदालत दे माण नू घट करन वालियां अजिहियां अपमानजनक टिप्पणियां नू ध्यान विच रखदे होए सुई मोटो कंटैंप्ट लिया गया है। इस अनुसार मुद्दई नू कारण दसो नोटिस जारी किया गया है जो कि इस समय सिडनी आस्ट्रेलिया दे विच रह रही है अते नाल ही उसनू कारण दसो नोटिस भी जारी किया गया है कि उसनू कानून की उलंघना एक्ट तहत सज़ा क्यों नहीं दी जाए। मुद्दई नू अगली सुनवाई की मिति भाव 16/4/2024 नू इस अदालत दे विच व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के हुक्म भी जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस दे अगे विदेशी खेतरी रजिस्ट्रेशन दफ्तर जाने के FRRO दिल्ली नू मुद्दई दा पासपोर्ट वीजा जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जेकर वह सुनवाई विच निर्धारित मिति तो पहला भारत आउंदी है ते नाल ही यह भी कहा गया है कि उसनू बिना अदालत दे हुक्मां तो देश छड्डन की इजाजत ना दिती जावे। इस मामले विच कैनवरा स्थित भारतीय हाई कमिशन नू भी अनीता नाल राबता कायम करने लई कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एंजल पंजाबी न्यूज़।